be iconic. गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार साथियों, झार पाठशाला के खुल्डा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, लगातार क्लासेस होती रहनी चाहिए और आपका डिमांड, आपकी समस्याओं पे मैं क्लास ना दूं ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अंततोगत्वा मेरा एक ही लक्ष्य है और वो लक्ष्य क्या है? आपकी सफलता। तो आपकी सफलता के लिए मुझे जितना घिसना पड़े, जितना पिसना पड़े, जितनी मेहनत करना पड़े, वो मैं सब करने के लिए रेडी हूं। तो एक बार फिर से आप सबों के बीच मैं मुखातिब हो रहा हूं एक अलग सेशन के साथ, और उस सेशन का शीर्षक है, सेशन का टाइटल है लोक कथा। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे लोक कथा, और रात में लोक कथा पढ़ने का मजा ही अलग है, रात में गीत पढ़ने का भी मजा अलग है। तो दोस्तों, गीत तो नहीं, पर आज के सेशन में हम क्या देखने जा रहे हैं? लोक कथा। और ये जो लोक कथा है, ये बेहद ही मजेदार लोक कथा। इस लोक कथा की कुछ विशेषताएं मैं बतला दूं कि इस लोक कथा में मात्र एक पात्र का ही नाम दिया गया है, बाकी किसी पात्र का नाम नहीं है, किसी पात्र का नाम नहीं। और इस लोक कथा की, यानी कि इस कहानी का, जो कहानी के जो पात्र है, मुख्य पात्र है, वो एक लड़की है। और वो लड़की पढ़ने में बहुत तेज, पढ़ने में नहीं, वो लड़की बहुत बुद्धिमान है, बुद्धि की खूब तेज है, और काम करने के मामले में भी वो लड़की बहुत तेज है। जैसा कि आप वर्तमान की दुनिया में देख रहे हो, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खूब हो रहा है, जो लैंगिक भेदभाव देखने को मिलते हैं वो खूब हो रहे हैं। बच्चियों के लोग बेटियों को जन्म देना नहीं चाहते। आज भी हमारे यहाँ लिंगानुपात जो है, उसमें लिंगानुपात में जो बेटों की संख्या वो अधिक रहती है, बेटियों की संख्या कम रहती है ना। लेकिन अगर बेटियां इतनी बाधाओं के बावजूद भी आगे बढ़ रही हैं, अगर इतनी बाधाओं के बावजूद भी श्रेष्ठता पे पहुंच, श्रेष्ठ स्तर पे पहुंच रही हैं, तो कहीं ना कहीं गर्व की बात है। इस कहानी में पात्र बनाया गया है एक लड़की को, और वो लड़की बेहद तेज तरार है, बेहद बुद्धिमान है, और बुद्धिमान होने की वजह से चारों तरफ उसकी चर्चाएं होती हैं, चारों तरफ उसकी बातें होती हैं। तो बुद्धिमान लड़की, अच्छी लड़की, तेज तरार लड़की से हर कोई शादी करना चाहता है। हर लड़के की ख्वाहिश होती है कि मुझे जो लड़की मिले वो तेज तरार मिले। तो चारों तरफ हल्ला हो जाता है कि चापू नाम की जो लड़की, वो तो बहुत तेज है, ये जिसके घर भी जाएगी उसका घर एकदम जगमगा जाएगा। तो लड़के और लड़के के बाप जो होते हैं, वो कोशिश करने लगते हैं कि ये लड़की मेरे ही घर बहू बन करके आए, मेरी ही बीवी बन जाए, तो मेरा ही घर जगमगा उठेगा। तो सब कोशिश करते हैं कि चापू के साथ क्या कर ले, ब्याह कर ले। सब लड़के कोशिश करते हैं, और अपने से भी प्रयत्न करते हैं चापू के पास जाकर के, कि चापू को क्या करे, पहली रूप जो हारा बदी, यानी कि प्रतियोगिता में करके चापू के साथ शादी कर ले। अब बात क्या था भाई? तो बात यह था कि चापू खुद तेज तरार थी। अब शर्त रख दिया था उसके बाप ने, या चापू ने भी। क्या शर्त था? कि जो भी लड़का बुद्धि के मामले में चापू से भी तेज निकलेगा, या कम से कम चापू के बराबर होगा, उसी के साथ चापू का ब्याह करवाया जाएगा। लेकिन इस कहानी में जितने भी लड़के आते हैं, वो सब के सब चापू से हार जाते हैं। और शर्त यह रहता है कि जब चापू हार जाएगी, तो चापू का जो ब्याह होगा, जब चापू हार जाएगी, तो फिर कौन सा ब्याह होगा? वो जिसमें बारात वारात सच करके आता है ना, वो वाली ब्याह हो जाएगी। और अगर चापू हारती नहीं है, तो चापू के बाप ने शर्त रखा था कि चापू का जो ब्याह होगा वो बेंदकड़ी ब्याह होगा। अब बेंदकड़ी ब्याह में क्या होता है कि बेंदकड़ी ब्याह में लड़की जो है वो लड़के के घर जाती है, उल्टा होता है। यहाँ पे लड़की लड़के के घर जाती है, और लड़के के घर वालों के खर्च पे ही क्या होता है, लड़की का शादी होता है। इसमें लड़की का कोई खर्चा वर्चा नहीं होता। तो यही शर्त रखा चापू के बाप ने कि मेरी बेटी का जो ब्याह होगा वो कैसा ब्याह होगा, बेंदकड़ी ब्याह होगा। तो आइए इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं, डिटेल से देखते हैं, एक एक शब्द को देखेंगे, सब कुछ जानेंगे। उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं थोड़ा सा शीर्षक के बारे में, क्योंकि शीर्षक से भी आपके एग्जाम में सवाल बन जाते हैं। तो जरा सा इस शीर्षक पे गौर करो, शीर्षक पे गौर करो। इसमें आपको शब्द जो दिख रहे हैं वो क्या दिख रहे हैं? लुइरिगर। एक शब्द आपको दिख रहा है ना, लुइरिगर, है ना, लुइरिगर। अब गौर करो तो लुइर शब्द में गर प्रत्यय लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? गर प्रत्यय लगा हुआ है। ये गर क्या है? प्रत्यय। तो गर प्रत्यय लगने से ये बन गया लुइरिगर। लुइरिगर का हिंदी क्या होता? लुइरिगर का हिंदी होता बुद्धिमान। क्या होता है? बुद्धिमान। अब लुइर जो है, इसमें जब आप गौर करते हो तो मिलता है आपको कि ये कौन सी संज्ञा है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। आप लोग कमेंट करके बताओ कि लुइरिगर कैसा शब्द है, लुइरिगर जो शब्द है ये कैसा शब्द है, ये आपका किस प्रकार का शब्द है, संज्ञा है, विशेषण है, क्या है।
तो दोस्तों जब आप गौर करते हो तो आपको क्या मिलता है कि ये जो लुरगर शब्द है, ये जो लुरगर शब्द है, ये कैसा शब्द है? ये विशेषण शब्द है। कैसा शब्द है? विशेषण। याद रखना, याद रखना, लुइर आपका हो जाता है भाववाचक संज्ञा, लुरगर आपका विशेषण शब्द हो जाता है। इसके साथ इसमें जुड़ा हुआ है शब्द बेटी छुआ। क्या जुड़ा हुआ है? बेटी छुआ। अब बेटी छुआ कैसा शब्द है? तो ये आपका बेटी छुआ कौन सा संज्ञा हो जाएगा? ये जायतवाचक संज्ञा हो जाएगा। कौन सा संज्ञा हो जाएगा? जायतवाचक संज्ञा हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा, बेटी छुआ बेटी को कहते हैं। ऐसे छुआ का मतलब तो बच्चा होता है, पर बेटी छुआ यहाँ पे एक साथ है जिसका मतलब बेटी होता है। तो इसका अर्थ, हिंदी अर्थ निकल करके आता है बुद्धिमान बेटी या बुद्धिमान लड़की। इसका अर्थ क्या निकल करके आता है लुरगर बेटी छुआ का? बुद्धिमान बेटी या बुद्धिमान लड़की, जिसमें बुद्धिमान आपका विशेषण हो जाएगा। तो यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें कि ये जो लुरगर बेटी छुआ लोक कथा है, इस लोक कथा के जोगाड़ी या संकलन करता कौन है? क्योंकि देखो लोक कथा क्या है? सामाजिक संपत्ति है। ये ऑलरेडी समाज में है, ये ऑलरेडी लोगों के मन मस्तिष्क में है, ये ऑलरेडी लोगों की जुबान पे है। क्यों? क्योंकि जो लोक कथा या लोक साहित्य होती है वो आपकी सामाजिक संपत्ति होती है। इस पे किसी खास व्यक्ति का कॉपीराइट नहीं होता, इस पे पूरे समाज का कॉपीराइट होता है, पूरे समाज का अधिकार होता है। तो ये लोक कथा ऑलरेडी समाज में प्रचलित है, लेकिन इस लोक कथा को अपना शब्द देने का काम किए, इस लोक कथा पे कलम चलाने का काम किए, इस लोक कथा को लिख देने का काम किए, संकलन करने का काम किया। किसने किसने किया? तो डॉक्टर ए के झा ने। किसने किया? डॉक्टर ए के झा ने। अब थोड़ा सा हम लोग ए के झा के बारे में जानेंगे। तो देखो ए के झा का जन्म कब हुआ? ए के झा का जन्म होता 1939 में, और इनका देहांत कब हो जाता है? 2013 में। कहां जन्म होता है? तो चंडीपुर बोकारो, चंडीपुर बोकारो में इनका जन्म होता है। ये बोकारो जिला के थे। खोल्टा भाषा को जन आंदोलन का रूप देने का जो श्रेय है ये डॉक्टर ए के झा को ही जाता है। इन्होंने खोल्टा साहित्यकार पैदा करने का काम किया, लोगों को प्रेरित कर करके। इसके अलावा डॉक्टर ए के झा को हम लोग झारपात उपनाम से जानते हैं, झारपात उपनाम से जानते हैं, वेदर वाइज या मौसम वैज्ञानिक के उपनाम से इनको जानते हैं। ये मौसम वैज्ञानिक भी थे, है ना। इन्होंने अपने 48 साल के गहन अध्ययन और शोध के परिणाम स्वरूप मौसम विज्ञान के क्षेत्र में एक सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत को हम लोग धरा गगन सिद्धांत के नाम से जानते हैं, धरा गगन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। मौसम वैज्ञानिक के साथ साथ भाषा वैज्ञानिक के साथ साथ साहित्यकार होने के साथ साथ ये PTPS पतरातू थर्मल पावर स्टेशन में स्टोर कीपर के रूप में जॉब करते थे, जहां से 1999 में ये रिटायर हो जाते हैं और फिर हम लोगों को छोड़ करके ये 2013 में चले जाते हैं। बस इतनी जानकारी हम लोगों को अभी के आज के सेशन में झा जी के बारे में देखना है। बाकी झा जी के बारे में जब आप लोग साहित्यकार परिचय देखिएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशन किया है साहित्यकार परिचय, तो वहां पे आपको क्या देखना है, डिटेल से पढ़ना है झा जी के बारे में। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो झा जी ने ही क्या किया, इस लोक कथा को कलमबद्ध करने का काम किया, इस लोक कथा पे अपने शब्द देने का काम किया। और ये कैसी लोक कथा है? तो दोस्तों ये जो लोक कथा है, इस लोक कथा में आपको क्या देखने को मिलता है, तो एक तेज तरार बेटी छुआ के बारे में इसमें बात किया गया है। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लोक कथा को। देखो इस लोक कथा में ये जो लड़की को आप देख रहे हो, ये कोई और नहीं है, ये तेज तरार लड़की ही है जिसका नाम है चापू। क्या नाम है दोस्तों? चापू। याद रखना, इसका नाम है चापू। और ये बहुत तेज रहती है, ये खूब तेज तरार रहती है। अब इसके बाद देखो इस चापू को आप लोगों ने देखे, इसके हाथ में कलम है, ये काफी इंटेलिजेंट है, मुस्कुराते हुए ये देख रही है आप लोगों को। पर चलते हैं हम लोग आगे। लिखते हैं झा जी कि एगो हले बेटी छुआ। अब एगो हले बेटी छुआ, एगो हले है ना, मतलब ये बीती बात है। तो एगो हले बेटी छुआ, तकर बाप बड़ी गरीब। अब यहां से पता चल रहा है कि इसका जो परिवार था वो कोई रईस परिवार नहीं था, एकदम गरीब परिवार में ही इसका जन्म हुआ। किसका? चापू का। मेरे एक बेटी छुआ टी खूब लुरगर चनफन, मतलब तेज तरार, लुरगर मतलब बुद्धिमान। तो ये इसकी विशेषता बतलाई जा रही है चापू की। चापू नाम है इसका,
कि जो लड़की थी वो गरीब घर में पैदा तो हुई, गरीब बाप की बेटी तो थी, मगर थी बड़ी बुद्धिमान, बहुत तेज तरार थी, चाड़ चपट कोनो काम के निगरावे में उस सब ले 20, नाम रहे चापू। चाड़ चपट मतलब एकदम जल्दी जल्दी किसी काम को फिनिश कर देने में वो बड़ी तेज तरार थी। अब लो यहां पे आपका आ गया एगो मुहावरा। अब यहां से देखो इसी तरह से सवाल निकाल देता हूं, हले सब ले 20। अब सब ले 20 का मतलब देखो, सब ले 20 हेवे एक मुहावरा है, सब ले 20 हेवे एक मुहावरा है। क्या है? एक मुहावरा है। तो पूछ देगा सब ले 20 हेवे की है के मुहावरा है के लोकोक्ति है के की है के बता। तो आपको बताना है सब ले 20 हेवे मुहावरा है। सब ले 20 हेवे मतलब सबसे श्रेष्ठ होना, सबसे श्रेष्ठ होना, सबसे आगे होना। तो ये सब ले 20 हेवे मुहावरा का अर्थ है। तो यहां तक समझ में आ गया, ये खूब बुद्धिमान थी, तेज तरार थी और जल्दी जल्दी किसी काम को फिनिश करने में सबसे आगे थी। गीदटी आध डेर का उम्र खलाय तखने तखने ले तकर लूर यार काम के करे चेठा देख के लोग एक बड़ी बेस लागता है। अब बोल रहा है यहाँ पे एक देखो एक शब्द आया अध डेर का उम्र। अध डेर का उम्र मतलब क्या होता है? जब ये टीन एज में थी। किस एज में थी? जब ये टीन एज में थी। टीन एज मतलब 13 से लेकर 19 का जो ये एज है ना, ये टीन एज कहलाता है। तो अध डेर का उम्र मतलब जब ये टीनेजर थी, जब ये टीनेजर थी, जब ये किशोरा अवस्था में थी, उसी समय से लोगों की इसकी बुद्धि और इसका काम की फुर्ती देख करके, काम करने की फुर्ती देख करके लोगों को बड़ा अच्छा लगता था। इसका बुद्धि मतलब लोग बड़े इसकी बुद्धि और काम में फुर्ती देख करके, इसका काम करने का तरीका देख करके लोगों को बड़ा अच्छा लगता था, सुंदर लगता था। अब जब ये डेरका उम्र मतलब जब ये जवान हो गई, जब क्या हो गई? जवान हो गई। तब गीदर टिक बिहा खातिर बात चले लागे। अब कुछ लोग देखिएगा बचपने से अपन एरिया में फेमस होता है अपन बुद्धि के कारण, अपन गुण के कारण। तो उसी तरह से चापू भी थी जो अपनी बुद्धि अपने गुण के कारण पूरे एरिया में फेमस थी, चारों तरफ इसका चर्चा था। तो जब ये जवान हो गई तो शादी ब्याह का उम्र हो गया इसका। अब शादी ब्याह का उम्र हो गया तो चारों तरफ क्या हो गया? बात चलने लग गया। जवान होते ही इसकी शादी का बात चलने लग गया। कै गो बेटक बाप जो थे वो क्या किए, कै गो बेटक बापे आर कै गो बेटा छुए अपना हूं असरौला ब्याह के बाद। अब ऑलरेडी ये फेमस थी, प्रसिद्ध थी। तो कै गो लड़का का बाप और कै गो लड़का लोग स्वयं ही अपने इसके पास आकर के क्या किए, इसके घर आकर के शादी का बात शुरू किया। अपना हूं मतलब अपने ही, अपने भी है ना, शादी का बात शुरू किए। मैंने बातें बापे भावले, बापे होगा, मैंने बापे भावले, भावले मतलब बाप ने सोचा जे जैसन लुरगर बेटी तैसने लुरगर जमाए, जखन जुमता जोहड़ता तखने हमें बेटी ब्याह मत दे, ब्याह मत देवे। अब इसकी बेटी खूब तेज तरार थी तो बाप ने सोचा कि अपनी बेटी का शादी हम कब करेंगे, तब करेंगे जब कोई ऐसा लड़का हमारे पास आए जो हमारी बेटी से भी क्या हो, ज्यादा बुद्धिमान हो। जमाई बेटी का देखो यहाँ पे पुलिंग जमाई आ गया। तो बोल रहा है बाप ने सोचा, क्या विचार किया, सोचा कि जिस तरह से विद्यमान मेरी बेटी है वैसा ही, तैसने मतलब वैसे ही बुद्धिमान अगर जमाई जब हमको मिल जाएगा तब हम क्या करेंगे, अपनी बेटी की शादी के लिए सलामत देंगे, मतलब हामी भर देंगे। गीदर टी को सही है मत। अब इसकी बेटी चापू का भी यही मत था, यही राय था कि हाँ हाँ शादी तो करेंगे ही, मगर उसी लड़के से शादी करेंगे जो मेरी ही तरह बुद्धिमान हो, मेरी ही तरह क्या हो, बुद्धिमान हो, लुरगर हो। तब फैसला भाई गया है। अब जब बाप बेटी का एक ही मत था तो फैसला हो गया। और फैसला क्या हुआ कि जे बेटा छुआ, सुनो शादी को लेकर के फैसला हो रहा है। क्या फैसला हो रहा है? तो शादी को लेकर के फैसला हो रहा है कि जे बेटा छुआ बुइदे घारा बाइदे चापुक जुकुर पावल जीता है सह हते ओकर मन सैदा का बोर। बोर मतलब अब ये देखो ये क्या है, वो हिंदी का वर शब्द है। अब खोटा में व को ब लिखते हैं और ब से बन गया बर, लेकिन यहाँ पे बांग्ला का प्रभाव दिख रहा है और बांग्ला के प्रभाव से बोर बन गया। बर जो है वो वर्तुला का उच्चारण के साथ क्या बन गया, बोर बन गया। तो यहाँ बोर मतलब वट वृक्ष नहीं, यहाँ बोर मतलब दुल्हा। बोर मतलब क्या हो जाएगा, दुल्हा। ये तो आप समझ ही रहे होंगे पर फिर भी आपको मैं बतला दूं, यहां से भी सवाल बन सकता है। इसमें वर शब्द में, बर शब्द में बांग्ला का प्रभाव दिख रहा है जो बोर बना दिया। तो दोनों ने फैसला कर लिया, बाप बेटी ने। क्या फैसला हुआ भाई, कि फैसला ये हुआ कि बेटा छुआ, जे बेटा छुआ यानी कि जो लड़का बुद्धे खारा बायदे, बुद्धे खारा बायदे मतलब बुद्धि की प्रतियोगिता में, हारा बायदे मतलब प्रतियोगिता, ठीक है ना।
तो बुद्धि की हार प्रतियोगिता में चापुक जुकुर पावल जीता है। मतलब जो भी लड़का जो शादी करने के लिए आएगा वो अगर बुद्धि के मामले में चापुक की ही तरह तेज तरह पाया जाएगा तो वही लड़का बनेगा क्या, मनसैदक बर, वही लड़का होगा चापू का मन पसंद दुल्हा। मनसैदक बर मतलब मन पसंद दुल्हा। तो कौन होगा चापू का मन पसंद दुल्हा, जो चापू की ही तरह तेज तरार होगा और चापू को बुद्धि की प्रतियोगिता में हरा देगा। क्या हरा देगा, बुद्धि की प्रतियोगिता में हरा देगा। और पहले जमाने में किसी का बुद्धि चेक करने के लिए क्या किया जाता था, पहेलियां पूछी जाती थी, पहेलियां बुझाई जाती थी, और जो पहेलियों को समझ जाता था और सटीक जवाब देता था वो माना जाता था कि ये तेज तरार है। समझिएगा, हमारे खोरठांचल में जब भी पहले क्या था ना, रीति थी। अब आज भी देखिएगा बुड़वेन उड़वेन आएगा, अब तो ये सिस्टम धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब पहली वेली ना पूछो तीन, अब बोलो तीन कि कितना चिकन बना लेती हो, पिज्जा बना लेती हो, मतलब अब ये सिस्टम हो गया है कि तरह तरह पकवान के बारे में पूछा जाता है। और पहले जमाने में क्या होता था, बुद्धि चेक करने के लिए पहेलियां पूछी जाती थी, पहेलियां बुझाई जाती थी, और जो जवाब दे देता था माना जाता था कि वो देह तेज तरार है, तभी जवाब दे पाया, और नहीं जवाब दिए तो आपको बेवकूफ माना जाता था। तो वही मामला यहाँ पे भी है, चापू के साथ भी वही मामला है। देखो इस कहानी से आपको एक चीज पता चल रहा है कि जिस समय की एक लोक ये लोक कथा है उस समय का समाज कहीं ना कहीं ऐसा ही रहा होगा। जिस समाज में क्या किया जाता होगा, लड़कियों की बुद्धि को चेक करने के लिए या लड़कों की बुद्धि को चेक करने के लिए पहेलियां पूछी जाती रही होंगी। तरीका देख रहे हो ना, आजकल क्या आईक्यू टेस्ट होता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले पहली ही आईक्यू टेस्ट का माध्यम था। तो ये यहां पे तय हो गया। अब तय होने के बाद क्या हुआ, सुनो, तय होने के बाद क्या होता है, ऐसे एक बार एक बेटा छुआ ब्याह के बाद चलवे ले ले। अब फैसला तो बाप बेटी में हो गया कि जो लड़का बुद्धि के मामले में हरा देगा, प्रतियोगिता में हरा देगा, ओकरे साथ शादी करना है। अब इसी में क्या होता है, एक बार एक लड़का बात ब्याह का बात चलाने के लिए आ जाता है, और तखन बाप का गेल है हर बनवे ले। अब जब ये बात ब्याह का बात करने के लिए चापू के घर आया, उस समय बाप चापू का बाप घर में था नहीं, कहाँ गया, हर बनवे ले गेल था। और कचरा यार झांक काट के मोहर आने ले बोन, मोहर नहीं गोहर, गोहर है ना, गोहर आने ले बोन गेल है। अब बेटा छुआ चापू पूछ ले जे ओकर बाप कहाँ गेले है। अब उसका बाप जो था वो कहाँ गया है, जंगल गया है। किस लिए जंगल गया है, तो हर हर बनवे ले, अच्छा ओकर बाप का गेल है हल बनाने के लिए गया था, और कचरा और झाक काट के गोहर आने ले बोन गेल है। गोहर में क्या होता है ना कि लकड़ियों को एक लंबी लकड़ी एक सीधा लकड़ी रहता है ना, इस लकड़ी में जो कंसी वंसी निकलने वाला लकड़ी सब रहता है, जो लताउता में लताउता को चढ़ाने के लिए झाक वाला लकड़ी लगाया जाता है खेतों में, ताकि लताएं जो है वो ऊपर चढ़ सके। तो इसका बाप जो है वो गोहर आने ले कहां गेल है, जंगल गेल है। और इसी समय वो लड़का आके चापू से पूछता है कि तुम्हारा बाप कहां गया, तो चापू ने कहा कि सोज काट के बेकवे ले गेले, और सोहेला काट सिंह पूछ वाला झापरा काट के घिस रवे ले गेले हैं। लो अब इस पहेली को समझना, आप लोग भी इस पहेली को समझो और देखो कि कितना आप लोग जवाब जान रहे हो। क्लियर है, तो यहां पे देखो कह रहा है चापू ने कहा कि सोज काट के बेकवे ले गेले हैं। बेकवे मतलब क्या होता है, टेढ़ा, बेकवे मतलब टेढ़ा। तो कह लिए चापू कि मेरा बाप सीधा काट को टेढ़ा करने के लिए गया है, और सोहेला का भी मतलब सीधा होता है, तो सोहेला काट और सिंह पूछ वाला झापरा काट, मतलब वो काट जिसमें ऐसे ऐसे कंसी निकला हुआ रहता है ना, ऐसे ऐसे कई कंसियां निकली हुई रहती है, किस लिए, ताकि लताएं इसके सहारे ऊपर चढ़ सके। तो यहां पे चापू ने कहा कि मेरा बाप गया है गोहर लाने के लिए, घिसरवे ले गए, घसीटने के लिए गया है। अब ये जो बात देखो, अब इसको ऐसा ही समझो, अब ये बात जब लड़की ने चापू ने लड़के से कहा, चापू का बात लड़का को कुछ समझे में नहीं आया कि कह क्या रही है। अब ये जो बोली ये पहेली के रूप में जवाब दी, क्या जी, पहेली के रूप में जवाब दी। क्यों पहेली के रूप में जवाब दी, क्योंकि वो उस लड़के के बुद्धि को चेक कर रही थी। अब लड़का आया था शादी की बात करने के लिए, तो चापू ने पहेली रूपी जवाब दे करके लड़के की बुद्धि को क्या किया, चेक कर लिया। अब लड़का को कुछ समझ में नहीं आया, जैसे आप लोगों को भी ये चीज समझ में नहीं आया होगा, और मैं चाहता हूं कि अभी समझ में ना ही आए, वही ठीक है। आगे बढ़ते हैं और फिर हम लोग देखते हैं आगे है कि बेटा छुआटा कुछ बुझे ना पार ले, वो चौंकाए रहा, वो एकदम अचंभित हो गया, एकदम उसको कुछ समझ में नहीं आया है ना, वो चौंकाए रहा, फिर धैर्य धैर्य के पूछ ले। धैर्य धैर्य के मतलब यहां पे धैर्य मतलब धीरज, पेशेंस,
तो पेशेंस रख के पूछा, क्या पूछा, कि वो कखन ले आज तक, है ना, कि तुम्हारे जो पिताजी हैं वो कब तक आएंगे। तो फिर चापू पहेली रूपी जवाब दे देती है, ये है चापू मेरी। चापू क्या जवाब देती है सुनो, चापू ने कहा कि यदि आज तक तो आज तक, और ना है तो यदि ना है तक तो नहीं है तक। हाँ, चापू फिर जवाब देती, सुनो इसका मैं सिर्फ हिंदी करता हूं पर पूरा भी समझाऊंगा नहीं, मजा आएगा लास्ट में। क्या कहती है ना चापू, चापू को है कि जब पूछा कि अच्छा कब तक आएंगे ये तो बता दो, बाकी उसको समझ में आया, फिर भी हिम्मत रख के पूछ दिया अगला सवाल। कितना हिम्मत था मानना पड़ेगा। तो चापू ने जब कहा कि चापू फिर से पहले रूपी जवाब देती है, कहती कि यदि आज तक तो आज तक, मतलब आएंगे तो आएंगे, और ना है तो नहीं है, नहीं आज तक, है ना, नहीं आज तक तो नहीं आज तक, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। अब गीदटा यबरियो कुछ ना बुझे पार ले ले, चापू का पहले रूपी जवाब जो था लड़का को कुछ समझ में नहीं आया, जर को समझ में नहीं आया, तखन हाय निसार भाई के घूर गए। अब जब लड़का गया था शादी का बात करने के लिए, चापू उसको ऐसा घुमाई, ऐसा दुनिया दिखाई, ऐसा ब्रह्मांड दिखाई कि वो क्या हो गया, हाय निसार हो गया। हाय निसार भाई के मतलब निराश होकर लौट गया, घूर गए मतलब लौट गया, हो गए शादी के बाद करल दरा सारा मामला होकर धाए, मतलब एकदम सब खत्म। तो ये शादी का बात करने गया था, पहली नूपा यानी कि अपना बुद्धि से उसको भगा देती है चापू। अगला देखो, अब फिर क्या, वो एक लड़का निकल लिया, अब दूसर बैर यानी कि दूसरी बार एक दूसर बेटा, दूसर बेटा मतलब कोई एक कोई और आया, कोई और लड़का आया, दूसर बेटा छुआ ले, और ओह मतलब वो भी चापू संगे बिहा करे बात उस रह लो। अब वो भी चापू के साथ ब्याह करने वाली बात को शुरू किया, उठाया, है ना। अब मैं तो चापू बाप से दिन है, से दिन हूं, है ना, से दिन हूं घरे ना रहे। अब जब पहला लड़का आया वो तो चला गया निराश होकर के, एक बार दूसरा लड़का आया, अब जब दूसरा लड़का आया उस दिन भी चापू के जो पिताजी थे वो घर में नहीं थे। अब गिदरवा चापू पूछ रहे, अब वो लड़का जो शादी की बात करने के लिए आया था चापू से पूछा जे ओकर बाप कहां गए हैं, ओकर बाप कहां गए ले, मतलब चापू तुम्हारे पिताजी कहां गए हैं, चापू से पूछा। तो चापू जवाब दे ले, चापू ने जवाब दिया हमर बाप कांटाक बारी कांटाक बेड़ बनवे गेले हैं, बेड़ बनवे गेले हैं मतलब फेंसिंग, अंग्रेजी में इसको हम लोग फेंसिंग कहते हैं, फेंसिंग। तो चापू ने कहा कि मेरा बाप जो है ना वो कांटाक बारी, बारी मतलब खेत में, तो कांटों के खेत में कांटों का बेड़ बनाने के लिए गए हैं मेरे पिताजी। अब ये भाई इसको समझे भी नहीं आया, जैसे आप लोग को भी समझ में नहीं आ रहा होगा, कांटा की बारी कांटा खेत में कांटा का बेड़ बनाने के लिए गए हैं, बेड़ बनाने के लिए वहां पे क्या होगा, फेंसिंग करने के लिए गए हैं, है ना। घोरान वोरान घोरते कि नहीं घोरते, जानवरों से बचने के लिए देखते हैं क्या करते हैं, घोर दिया जाता है चारों तरफ से, ठीक है। तो कांटों का बेड़ बनाने के लिए गए हैं, यह गिदरवा भैका तरी मुठान लेके भूल गए। अब भैका तरी, यह गिदरवा मतलब ये लड़का भी जो गया था शादी की बात करने, वो भैका तरी, भैका तरी मैंने एकदम बैंग जैसे मुंह फाड़ दल को आ ना, तो कुछ समझ में आया तो मुंह फाड़ देते हैं आ ऐसे करके, तो ये तरी भी मुंह फाड़ के भैका तरी मुठान लेके भूल गए, मतलब ये भी निराश होकर के लौट गया। क्या हो गया, निराश होकर के लौट गया। अब जब ये लौट गया तब मामला क्या हुआ ये देखो, अब यहां देख रहे हो फोटो, ये फोटो जरा सा देखो, समझ रहे हो, इस फोटो को जरा सा देखो, एक लड़की आपको दिख रही है, यही है चापू। अब तखन तेसर बेर यानी कि तीसरी बार एगो दोसर बेटा छुआ आयल है, अब तीसरी बार एगो अलग लड़का आया, से दिन चापू हली दूरिये में और ओकर माए बाप भीतर बाटे। अब ये देखो अपने दरवाजे पे खड़ी है ना, ये चापू है, चापू दिख रही है नहीं दिख रही है, दिखाएं आपको थोड़ा सा जूम करके देखिए, ये अपने दरवाजे पे खड़ी है और यही तो है मेरी, मेरी नहीं है ना, यही तो है चापू। अब जिस दिन, अब तीसरी बार एक लड़का आता है अलग लड़का, और आ करके जिस दिन आता है वो लड़का, उस दिन चापू के माँ बाप जो थे वो घर के अंदर ही रहते हैं और चापू दरवाजे पे ही खड़ी रहती है। तो गिदट है दूरी है मतलब दरवाजे पे ही वो अपने खड़ी रहती है, गिदट है चापू के माए बाप के दाई के पूछ ले। अब जो लड़का आया था वो लड़का चापू से चापू के माँ बाप के बारे में पूछा कि चापू तुम्हारे माँ बाप जो है वो कहाँ है। तो फिर चापू देखो, चापू इस कहानी में एक चीज आप देखोगे कि चापू कभी भी सीधे मुंह बात नहीं की है, किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं की,
हर बार वो पहेली नुमा जवाब ही देती है, चाहे जो भी आता है, वो जब भी जिससे भी बात की है इस कहानी में, वो पहेली रूप में ही बुझाई है, पहेली ही बुझाई है सबको। तो याद रखिएगा, सवाल बन सकता है कि कौन कहानी है मुख्य पात्र, गोटे कहानी है सुधे पहेली बुझावे है। तो पूरे कहानी में पहेली बुझाने का काम आपको इसी कहानी में मिलता है, और चापू करते ये सबके साथ पहेली रूप पहेली रूपी जवाब देती है। तो चापू बोलती है, हमार माई एक ले दुई करे गेले। अब जब लड़का पूछा कि चल बताओ तुम माए बाप कहाँ, तुम शादी करे ला लियो तोर से, शादी करके रहेंगे चापू, हमको हल्के में लियो का, तो सब सवाल के जवाब दे देंगे हम, ऐसा सोचा होगा। और आके पूछा कि चापू बताओ तुम्हारे माँ बाप कहाँ है, तो हमार बाप गेले है छुट्टू के बड़ करे ले। अब फिर पहली बुझाई, बोलती मेरा बाप जो है गया है छोटे को बड़ा बनाने के लिए। और ये जवाब सुन के गिदर बाप तो हाई काट, अब यहाँ पे छूट गया है कुछ, अच्छा ये छूटा, हमार माए एक ले दुई करे के ले ही, मेरी माँ जो है एक को दो बनाने के लिए गई है, और मेरा बाप जो है वो गया है छोटा को बड़ा बनाने के लिए, छुट्टू के बड़े कर के ले मतलब छोटे को बड़ा बनाने के लिए गया है। अब ये आया था पूरा सीना तान के कि चापू को क्या करेंगे, हरा देंगे और उससे शादी करेंगे। अब पूछ ले माए बाप कहाँ, चापू ऐसा जवाब दी इस लड़का को कि हमार माए के लिए एक ले दू करे ले, और बाप के लिए छोटा के बड़ करे ले, अगर कुछ बुझेबे नहीं किया, ये अपना सर पटका। फिर बाद में देखो आगे लिखते हैं कि ते ये जवाब सुन के गिदरवा तो हाईकाट, हाईकाट मतलब एकदम सुन्न हो गया, नहीं सुन्न हो गया एकदम, जैसे न लगता कि कोनो बड़का एकदम क्या बोलते हैं उसको, ठंडा बर्फ ठंडा एकदम क्या बोलते हैं उसको, ठंडा पानी डाल दिया हो शरीर पे एकदम, तो वही इसको लगा। अगर बतिया सुन के चुप हो गया, एकदम सुन्न हो गया, आखिर और दाएं पैर के घूरिए गए, आखिर ये भी मुश्किल में, दाएं मतलब मुश्किल में पड़ के लौट गया, क्या कर सकता है बताइए, शादी का बात करने के लिए गया है, चापू का जवाब वो समझ ही नहीं पाया। अब चारों बाटे सुनानी भय गए, सुनानी भय गए मतलब चारों तरफ शोर हो गया, हल्ला हो गया, क्या कि जो चापू नामक ये को बेटी छुआ बड़ी बुधगर है। अब लो लुरगर और बुधगर दो तरह एक ही शब्द है दोनों, याद रखिएगा। तो चारों तरफ अब शोर हो गया, अब कोई लड़का इसका जवाब ही नहीं दे पा रहा है, कोई यूं नहीं जवाब दे पा रहा है, तो चारों तरफ हल्ला हो गया कि अरे इतना तेज तरार बेटी है, वो तो खूब बुद्धिमान है, खूब बुद्धिमान है और उसका नाम क्या है, चापू नाम है। जे घर में वो बहु बन के जीता है, से घर में जगमगाए जीता है, क्या हो जाएगा, सब लोगों में हल्ला हुआ कि जो घर वो शादी करके जाएगी ना, बहु बन करके जाएगी, वहां तो बुद्धि की आलो जगमगाए जीते, वहां मतलब बुद्धि का प्रकाश, आलो का मतलब प्रकाश जगमगा जाएगा, झकझकाया जाएगा मतलब जगमगा जाएगा। मैंने उत तक, लेकिन ये बात तो ठीक है कि जहां जाएगी उसके घर में एकदम बुद्धि का प्रकाश जगमगा जाएगा, बुद्धि सब लोग बुद्धिमान हो जाएंगे उसके ज्ञान के छांव में आकर के, ये बात तो ठीक है, लेकिन भैया कंडीशन भी तो है, मैंने वो तकरे संग ब्याह करता है, मगर वो उसी के साथ ब्याह करेगी जो बुझे होकर ले 20। अब आपको बताया ना, सबले 20 है वेक, या 20 है वेक एक मुहावरा है, मतलब सबसे आगे होना या श्रेष्ठ होना। तो बताया लोगों में ये शोर हुआ, हल्ला हुआ कि वो बुद्धि में तो बहुत तेज है, जिसके घर जाएगी उसमें बुद्धि का एकदम रोशनी जगमगा देगी, लेकिन वो ब्याह उसी के साथ करेगी जो बुद्धि में उससे 20 होगा, ना तो कम से कम पड़तरियो हंगे, अब बुद्धि के मामले में उससे आगे होना चाहिए, और नहीं तो कम से कम पटतरियो मतलब कम से कम बराबर होना चाहिए, तुल्य होना चाहिए, समतुल्य, पटतरियो का मतलब समतुल्य होना ही चाहिए, समतुल्य मतलब बुद्धि के मामले में समतुल्य, तबे चापू ब्याह करेगी। कुछ दिन बाद यारो एक वो बेटा छुआ आए, अब इतना लोग अपना मुंह लटका के गया है, अब रही है यार आवे वाला, अब एक साथ चापू का करती है, अब हम लोग मजा लेते हैं इतना रात में। तो कुछ दिन बाद यारो एक वो बेटा छुआ आए, अब सेहो बहर चापू की पहले दुआर करे, अब फिर ये अपने दरवाजे पे मिल जाती है। अब इस लड़के को अब पूछ रहे हैं जो चापू के माँ बाप कहाँ गए थे, शादी की बात करने के लिए आया था, तो चापू को पूछा, ए चापू तनी बताओ कि तोर माए बाप कहाँ गए हैं। अब अंदर होकर भाई खलबली मचल था कि चापू से तो ब्याह करके जाएंगे हम, देखते हैं, मनमन पूरा लड्डू फूटा होगा, चापू मिल गए दुअरिये पर एकदम दरवाजे पर, तो बोले बताओ तोर माए बाप कहाँ है। तो चापू बोलती है, चापू तनी गिजर के कहले, अब इतना तो भागा दी थी, तो थोड़ा सा गिजर के कहती है, तनी मुस्कुराते हुए कहती है, क्या कहती है, कहती है कि माए मतलब मेरी माँ एगो माए से तकर गिदरवन के सिजवे लागल है,
अपनी माँ के बारे में बताएं। बोलती मेरी माँ जो है ना, मेरी माँ एगो माँ से क्या करती है, मेरी माँ जो है ना, पहली समझो, मेरी माँ एगो माँ से टक्कर गिदरवेन के, एगो माँ से उसके बच्चों को, गिदरवेन को क्या कर रही है, सीझने लागल है। लो भैया कैसन पहली बुझा दी, एक माँ जो, मेरी माँ जो है एक माँ से उसके बच्चों को लेकर के, उस एक माँ से उसके बच्चों को सिझा रही है। सिझा रही मतलब समझ रहे हैं ना, बॉयल कर रही है, पका रही है। और बाप जी है से आगू पाछू हेले लागल है। अब लोग जवाब दे दी लड़का को, अब लड़का समझेत रहे, बाल नोचेत रहे, बुझा दी पहेली। अब पहेली बुझा दी, लड़का को कुछ समझ नहीं आया। चापू की जवाब सुन के गिदरवा तो एकदम याय भाई ठेक गल है, कहा तो मने, अब गिदरवा का एकदम याय भाई ठेक गल, मतलब कुछ समझे में नहीं आया। जैसा देखते ना कभी कभी को दिन हम इनको खोटा खोटांचल में को दिन देहसांस लग गए, मैंने कुछ पत्ते ना चलते। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि आप दिमाग में काम नहीं करता है कि करने जाए ये नहीं जाए कि होने जाए, भुला जाता है आदमी। तब अगर कुछ दिमाग में काम नहीं करने लगा, आय भाई ठेक गले, कहा तो मने कर कि कैसे नहीं हारती, मतलब एकदम पूरा मन बना करके आया था कि चापू हारे ही नहीं, अरे हरा के दम लेंगे हम इसको, हरा के मानेंगे, ठान के आया था कैसे नहीं हारेगी, तनी देखबे चापू, अरे हमू देखबे चापू बड़ी अगर शोर है, ई मन मना करके आया था झुंझुनाथ हराए छोड़बे, मतलब एकदम झुंझुनाथ मतलब जरूर से उसको हरा के छोड़ेंगे। वो गीदरटा ये अपन के तनी बेस बुजुर्ग और बेस बुजुर्ग बुझल है, मतलब ये अपने आप को तनी ज्यादा एडवांस समझता था, ये अपन आपके ढेर होशियार समझ रहा था कि काहे नहीं हारेगी, हरा के मानेंगे, बड़का तेज तरार है चापू, है ना। ये लड़का अपने आप को खूब तेज तरार समझ रहा था, लेकिन ऐसा फसाई चापू, ऐसा जवाब दी कि इसका मुंह बन गया, मुंह लटका दिया ही एकदम से। अब होता क्या है, एक गिदर वो घूरल बाद यारो बेसी हुलमाल भए गेले। अब जब ये लड़का भी हार करके चला गया ना, चापू के सवालों का जवाब नहीं दे पाया, तो चारों तरफ एकदम हुलमाल हो गेले, हुलमाइल हो गया मतलब चारों तरफ एकदम शोर हो गया, चारों तरफ एकदम का हो गया, अफरा तफरी वाला शोर जो होता है ना, उसके लिए खोरठा में हुलमाइल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब चारों तरफ एकदम अफरा तफरी वाला शोर हो गया। अरे कैसन लड़की है, कैसन लड़की है, सब हार जा रहा है, सब एकदम ऐसा ऐसा शोर हो गया। लोग कहे लगल थी जे चापू कोई हवे हरवे नहीं पारते, लोगों में ये बात होने लगी कि चापू को कोई हरा नहीं सकेगा, भैया बहुत तेज है वो, ये लड़की से तो कोई, ये लड़की से जीतने वाला कोई पैदा नहीं लिया, ऐसा लोगों में बात होने लग गया। वाह रे बेटी छुआ, वाह रे लड़की, वाह कितनी बुद्धिमान है। कुछ दिन बाद एक संगे दूगो बेटा छुआ सफर के गेला। अब एक एक जा रहे थे अभी तक, एक लड़का, लेकिन अबरी कावल ने एक साथ दो लड़के गए तैयार होकर के, दो लड़का सफर के मतलब बढ़िया से एकदम तैयार व्यार होकर के सज धज के गए। और कुली दुआरे डाक डलती सेवा बैर चापुए बहराए। अब कुली मतलब गली से ही क्या किए, आवाज लगाया, इन लोग आवाज लगाया, आवाज दिया, तो उस समय चापू बाहर निकली। अब चापू बाहर निकली तो दो लड़का जो है उन लोग में वो बेटा छुआ गुलेन कहलथिन जे वो सब चापू माए बाप संग बात करे खोजते। अब लड़कों ने कहा कि हम लोग आए हैं आपके माँ बाप के साथ, हम लोग बात करना चाहते। अब माए बाप से बात क्यों करना चाहते हैं, तो भैया लगाना सुने ना, मम्मी ने मेरी तुझे चाय पे बुलाया है, तो मम्मी ने मेरी चाय पे बुलाया मतलब शादी की बात करने के लिए बुलाया है, तो उसी तरह से यहाँ पे माँ बाप से बात करने का मतलब है ये शादी की बात करने आया है। तो चापू ठेपो दिखा के कल है, ठेपो मतलब जो ना ये अंगूठा जो है ना इसको ठेपो कहते हैं, तो चापू ठेपो दिखा के कल है, क्या कह ले चापू। अब देखिए कहती है चापू ठेपो दिखाते हुए उन दोनों लड़कों को कि ओकर माय बेजरिया धात देखे ले गेले है, मतलब ऐसे बोलती है कि उसकी माँ है ये नहीं है। ठेपो देखा के कल है यहाँ से सवाल निकालेगा, समझिएगा, सीधे सीधे निकल मत जाइएगा। ठेपो देखा के कल है मतलब इनकार करते हुए कही, क्या इनकार करते हुए, मतलब वो बोली कि मेरे माँ बाप घर में नहीं है, मेरे माँ बाप घर में नहीं है। और क्या बताती है कि हमार माय बेजरिया धात देखे ले गेले है, बेजरिया बेजार से बना है बेजरिया, तो बेजरिया मतलब बीमार का, धात देखे ले गेले, तो बीमार का धात देखने के लिए गई है। धात मतलब यहाँ पे ना नाड़ी, नाड़ी नब्ज है ना, नब्ज, तो नब्ज नाड़ी देखने के लिए गई है मेरी माँ। और ओकर बाप, मेरा बाप जो है वो सफेद को काला करने के लिए गया है, चरका मतलब सफेद, और सफेद के हमार बाप करिया करेल गेल है, और माय कभी माय जो है से बेजरिया धात देखेल गेलो, मतलब दोनों घर में नहीं है। ये कौन बोलती है, ये बोलती है चापू। अब दुयो बेटा छुआ बुलेने मने करा लाला
जो वो सब झुंझुना जीतता। अब ये इस दू को कहा आया था, क्या कि इन लोगों के मन में ढेरे खलबली था कि हम इन दोनों तो जीत ही जाएंगे, हम लोग तो चापू को हराइए के छोड़ेंगे, दम लेंगे, लेकिन हम लोग तो जीत के रहेंगे। और सपर सपर के मतलब समझ रहे ना, एकदम बढ़िया से सोच सोच करके एकदम क्या करेंगे, चापू से उलट पलट के सवाल घुरा घुरा के सवाल करेंगे, पारी पारी, मतलब एक के बाद एक, मैं एक बार हम एक बार तुम, ऐसे पारी पारी, एक बार कभी हम कभी तुम, ऐसे दोनों सोच के आया था कि हम लोग दोनों चापू से सवाल करेंगे, हारेगी नहीं, अरे हरा के छोड़ेंगे लड़की को, ठीक है, ऐसा उन लोग ठान के आया था दोनों, जाकर सवाल है। और यहो प्लान करके ना, मैंने दोनों पूरा पंचायती करके आया, पूरे पंचायती करके आया, कहा पंचायती करके आया, बोला कि जकर सवाल है जवाब चापू ना दिए पारता है ओकरे जीत। दोनों फैसला कर लिया था कि दोनों मिलकर सवाल करेंगे, एकदम बारी बारी से सवाल करके चापू को हरा देंगे। और सुन लो, बाद में झगड़ा झंझट नहीं करना है कि चापू मेरी हुई, ये सब नहीं, जिसका सवाल का जवाब चापू नहीं दे पाएगी, चापू का शादी उसी के साथ होगा। दोनों पंचायती कर लिया था अपन साथ है। अब ओकरे जी, मैंने चापू की एक के बैरे बैरे जवाब है, एक के बैरे मतलब एक के बार के जवाब में दुयो छुआ गुलेन हाइचक हो गया ला। अब इन दोनों चापू के एक के बार के जवाब में दोनों लड़का हाइचक एकदम अचंभित हो गया, दोनों का कुछ नहीं बुझाया, दोनों एकदम सुन्न हो गया, कुछ समझ में नहीं आया दोनों को। अब क्या हुआ, अब क्या होता है कि घूर के कोनो पूछे एकदम बोले सीधे, दोनों को ना दोबारा से सवाल पूछने का दम ही नहीं हुआ, मतलब एकदम दोनों एकदम झड़ गया, समझ रहे ना, दोनों एकदम टूट जाता। अब उन लोग का प्लान बना करके गया था, हरा के मानेंगे, कैसे नहीं हारेगी, झुंझुना मैंने जरूर हरा देंगे, लेकिन एक बार में ऐसा जवाब दी चापू कि दोनों को दोबारा सवाल पूछने का दमे नहीं हुआ, खूब मने हिम्मते नहीं हुआ, हरनट भेल तरी दुयो बेटा छुआ मुंह वलमाय के घुर गया। अब हरनट भेल तरी मतलब परेशान या निराश होकर के, परेशान हो जैसा दोनों अपन मुंह वलमाय के मतलब मुंह लटकाया। अब मुंह लटका करके दोनों का किया, लौट गया, क्या करता हुआ, मुंह बनाने के लिए गया था, मुंह बना के आ गया, हरा दी चापू, एक भी लड़का चापू के सामने नहीं टीका, देख रहे हैं, आ रहा है जा रहा है, हार रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, ये कहानी है चापू के साथ जाने शादी खातिर सोचे वाले लड़का बन के। अब एक बाद में जब इतना हो गया, समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है, अब वो भी पुरुष प्रधान समाज में, और हमारा समाज सदा सदा से पुरुष प्रधान है, कोई नया अभी प्रधान नहीं बना, पुरुष प्रधान पहले से पुरुष प्रधान है। अब ये लड़की, अब ये तो निकली लड़की, लड़का तेज तरार रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़की तेज तरार रहे तो लड़कों लोग के लिए इज्जत का सवाल हो जाता है। अब सब लड़का बन के इज्जत का सवाल हो गया, और लड़का हारने लगता तो लड़का के बाप सबके इज्जत के सवाल हो गया, अब लड़का के बाप सबके इज्जत के सवाल माने पूरे समाज के पुरुष के इज्जत के सवाल हो गया। अब देखो यहाँ पे पूरा समाज बैठल है, पूरा समाज बैठल है, देख रहे ना, तो सब एक बात काना काना ऐसा बात होने लगे कि चापू या अपन बतवन के जवाब क्या जान ना जानी है ना। कुछ लोग के कहे लगा थी जब चापू अंठहरी है जैसे फडेर दे, अब लोग बात करने लगे, काना कानी बात होने लग गया, क्या बात होने लग गया, लोग कहने लगे ना अरे चापू उल्टा सीधा जो मन में आ रही है बोल रही है, वो खुद नहीं जानती है कि क्या वो बोल रही है, जवाब उसको भी नहीं पता है, तो कहां से लड़का लोग जवाब दे पाएगा, अरे चापू उल्टा सीधा जो मन में आ रहा बोल रही है, इस कारण से कोई भी लड़का जवाब नहीं दे पा रहा है, ये बात धीरे धीरे फैलने लगा। चापू अंठेरी है मैंने बिना कोई ठौर ठेकान के, बिना कोई सीमा के, मतलब जगह कोई और छोर आइए ना, जे मुंह में आ रहा है जैसे फटर दे, मतलब जे मुंह में आ रहा है बोल दे रही है, और खाम ख्याली और सरक बिंदा बतियाने के कोनो योर और पूछना नहीं बुझे। अब इसका खाम ख्याली मतलब कपोल काल्पनिक बातों का, सरक बिंदा मतलब एकदम वो भी बड़ी बड़ी बातों का, काल्पनिक बातों का, बेकार की बातों का कोई और पूछना, मतलब आदि अंत समझ में नहीं आ रहा है कि क्या वो बोल रही है, किसी को समझ में नहीं आया, तो लोग होकर अपन मतलब निकाल दिया कि वो झूठ, मतलब उल्टा पलटा जे मुंह में आ रहा है से बोल रही है। अब क्या होता है, सही है, अबरी जमाइक के जायक चाहिए, तो देखो सब लोग पंचायती कर लिया, पुरुष लोग बोला कि नहीं 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 भारी गड़बड़ है, वो लड़की सही नहीं कर रही है, इसीलिए चलिए हम लोग सबको मिल करके एकदम तनी सख्ती से, जमाइक के मतलब चलिए जरा ऐसे नहीं, तनी सख्ती से जाते हैं, और जा करके क्या करेंगे, जा करके चाही और पुछार गछार करल बात पे चुप सबे सवाले बोले जवाब फरनावेले कहे चाहिए, तो सब लोग पंचायती कर लिया, बोले चलो सब कोई चलते हैं, और जा करके वहां उसको पूछेंगे कि तुम्हारे सवालों का जवाब हम लोग कम से कम क्लियर कर दो, कि तुमने कहा क्या है, क्या उसका जवाब वाब है, जवाब ना फरनावे पार ले जाकर संग हम इन कहबे तकरे संग चापू बिया दहे।
अब सब लोग फैसला कर लिया, बोला कि अगर जवाब नहीं देती है चापू तो फिर हम लोग जिसके साथ बोलेंगे उसी के साथ चापू को शादी देना होगा, उसी के साथ चापू का शादी करना होगा। तो जमाए के लोग पहुंच गया चापू दुआरे। अब सब लोग तनी इस बार पूरा एकदम सख्त मिजाज के साथ एकदम टाइट होकर के आया कि क्या करेंगे, सवाल मतलब पूछेंगे क्या तुम बोल रही हो। चापू पूछा गया, सब लोग आए और आकर के चापू से पूछा गया जे ओकर बाप माए कहां हथिन। अब देखो कि गांव के सारे लोग जो है वो एक साथ इकट्ठे होकर के आए हैं, तो इन लोगों को भी चापू जो है वो पहेली नुमा जवाब देती है। पूरे कहानी में चापू पहेली में जवाब दी है, कभी वो सीधे मुंह बात नहीं की है किसी के साथ में। तो सब लोग एकदम जमक के आया, एकदम टाइट होकर के सख्ती के साथ आया, पहुंच गया एक घरे पे और पूछ करके पूछा और पहुंच के पूछा कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ गए हैं। तो चापू वो कमाल है, अग्रणियों के दल का मुंह चुप करा, कहलके चापू कि माए घर ही, माए तो घर में है लेकिन बाप स्वर्ग पानी ठेकाड़ दिए लागल हो। हमार माए तो घर में है लेकिन हमार बाप जो है ना उस सारा के पानी मतलब आकाश का पानी आसमान का जो पानी है उसको रोकने में लगे हुए, ठेकाड़ दिया लगा ले मतलब उसको रोकने में लगे हुए हैं, है ना। अब चापू बात सुन के सब सुगुम लो जो एकदम टाइट होकर के आया था कि आज एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, चापू लोगों को ऐसा जवाब दी कि सब चुपचाप हो गया। सुदे जेटा सट्टा फसार फुसूर और गंदार गुंदूर सुनाए लागले, अब सबको चुप करा दी। सब एकदम बड़का मोस्ट टाइट करके आया था कि आज एकदम इसको छोड़ना नहीं है, पूछ लेना है कहा है नहीं है। सो ऐसा जवाब दी चापू कि सब एकदम शांत हो गया और आपस में फुसूर फुसूर करने लग गया, गंदार गुंदूर करने लग गया, आपसे में बातचीत करने लग गया, काना फूसी करने लगे कि का बोलो एकर मतलब का। सब पूछे तो ना ये काय कर मतलब बोयो, सबको बेइज्जती हो गए, एक साथ पूरे गांव के बेइज्जती कर दी। अब क्या होता है देखो, अब क्या होता है तावले चापू के बाप घर ले भरे ले। अब चापू की बात जब किसी को समझ में नहीं आए तो चापू का जो बाप है, चापू का बाप वो घर से बाहर निकलता है और वो बोलता है, चापू के बाप जो है वो कहते हैं कि हमर बेटी और तोहनी में थे जे बातचीत भेलो से सब हमें सुन लियो। चापू ने कहा ना कि आपका आप लोगों का मेरी बेटी के साथ में जो बातचीत हुआ है वो हम सब सुन लिए हैं, तो इनके इतना करेजा फाड़े के जरूरी ना है, हमारे कनवा में सारा बात पहुंच गया है, टेंशन मत लीजिए। बापा बोले चापू बापा, तब बात होला से सब हमें सुन लियो, जे जे बिहार बात लेके इकट्ठी नहीं ला सब हार ले गला, सुन लो बड़का जमक के आया है, सब तैयार होकर के एक साथ याद फरिया देना है। सुनिए जितना लड़का लोग इसके साथ शादी का बात करने को शादी का बात लेकर के आया सब मुंह लटका के हार के गया, कोई एक जवाब नहीं दे पाया इसके सवालों का जवाब। सैले चापूक बिहा सब खरच बरच बोर घर के बोहे पड़ता है ना, सब लड़का हार के गया। इसीलिए सुन लीजिए चापूक बाप कहले, एकदम पहली बार देख रहे हैं हम किसी किसी कहानी में किसी के बाप को जो बाकी लोगों के साथ में एकदम हिम्मत से बात कर रहा है। तो देखो लड़की ये आप लोगों के लिए भी सीखने वाली बात है, अगर आप भी बुद्धिमान रहोगी यानी कि आप भी अपने आप को अगर अग्रिम पंक्ति में स्थापित कर दोगी तो आपके भी माँ बाप जो है वो गर्व से लोगों के सामने बात कर सकेंगे, गर्व से लोगों के सामने में अपनी बात को रख सकेंगे, जैसा चापू का बाप यहां पे रख रहा है। तो यहां पे चापू का बाप ने कहा देखो जो लड़का आया सब हार के गया, इसीलिए चापू का ब्याह अब जो होगा ना वो सब लड़के के घर के खर्च से होगा, सारा खर्चा लड़के के घर वालों को देना होगा, बोर घरे खर्चे और बोर घरे बेन कड़ी बिहा होता है। लो अब लड़की यानी कि चापू का जो शादी होगा वो बोर घर के खर्चे यानी कि लड़के के घर के खर्च से होगा और दूल्हे के घर बेन कड़ी बिया होगा मेरी बेटी का, यानी कि बिया यहाँ ना होगा, बिया कहाँ होगा, दूल्हा के घर में ही जाकर के होगा। हमार बेटी यदि हार जीत ले तो हमें खर्चा भार गस्त लो, और आपने जो क्षमता आपने जो भय, अब बोल रहा है चापू बाप कि देखो मेरी बेटी अगर हार जाती तो हम अपनी क्षमता के अनुसार क्या करते, हम अपनी क्षमता अपने खर्च से अपनी बेटी का शादी करते और अपनी क्षमता के अनुसार माड़ कूड़ा साग भात खवाए के स्वागत करते लियन बारात के। ये कह रहा है कि अगर मेरी बेटी हारती तो हम क्या करते, बारात का स्वागत करते हैं, मेरी जो क्षमता होती खिलाने पिलाने की, जो रूखा सूखा माड़ साग भात जो भी है वो खिला करके क्या करते अपनी बेटी का शादी करते, खर्चा हम ही करते। लेकिन आप मेरे यहाँ पे तो बरिया पहन के हवैया बिहा चढ़ी बिहा नाई सायर के
विनकड़ी बिया सारे पर तो। लेकिन अब मेरी बेटी को कोई हरा नहीं पाया, इसीलिए वो यानी कि जो बारात लेकर के आने वाली शादी है, कौन सा शादी, बिया चढ़ी बिया है ना, यानी कि बारात लेकर के आने वाला जो परंपरा वाला शादी है, वो शादी ना करके क्या करना होगा, बेनकड़ी बिया सारे पर तो, सारे पर तो मतलब निपटाना होगा, बेनकड़ी बिया करना होगा मेरी बेटी का। अब बेनकड़ी बिया में क्या है भाई, तो वही चीज, लड़की ही जाएगी लड़के के घर और सारा खर्चा किसको देना होगा, लड़के को ही देना होगा, ये इसमें कहा जा रहा है। तो बेनकड़ी बिया में लड़की जाती है लड़के के घर, वही बिया होता है, बोर बाटे खर्च बरचे हवैया मन सदक बेनकड़ी बिया। और लड़की बात बोल दिया कि देखो मन सदा मतलब मन पसंद शादी होगा, मन पसंद शादी मेरी बेटी के हिसाब से होगा, और खर्चा बरचा जितना है सब लड़के के घर वालों को उठाना पड़ेगा, लड़का पक्ष को उठाना पड़ेगा। सबिन कहल तीन जे चापू यापन जवाबे जे कहल है से सब बतिया फरनाए चाहिए। अब जब एकर बाप चापू बाप इतना बोल दिया ये होना चाहिए तो सब लोग बोले अच्छा अच्छा हो ठीक है, लेकिन पहले सब नरम हो गया यार, चमक के जहाल होती ना सब नरम हो गया, बोला सबसे पहले चापू की कही बातों का क्लैरिटी होना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए कि आखिर उसका अर्थ क्या है, जवाब क्या है। तो अब जवाब सबिन कहते हैं चापू अपन जवाब में जे कहल है से सब बतियन के फरनाए चाहिए, मतलब स्पष्ट हो जाना चाहिए। यदि चापू सब जवाब बुलन सही सही देले है तो फरनाए देले चापू बापे बतवा मान लेवथिन उ सब। यानी लोगों ने कहा कि देखो अगर चापू ने जो कहा वो एकदम सब कुछ ठीक ठाक है, सही है, उसका एक आंसर है, जवाब है, तो फिर चापू के बाप ने जो कहा है कि यानी कि मेरी बेटी का बेनकड़ी ब्याह होगा, सब बोर घर के खर्च से होगा, तो ये सब मान लिया जाएगा, समाज के लोग उसको मान लेंगे। लेकिन या लेकिन भी जोड़ दिया, लेकिन आर तबे मन सदक बेनकड़ी ब्याह होता है, आर से नाय भेले, मतलब अगर चापू ने सही सही जवाब नहीं दिया तो चापू के बाप माई के अत्ते लोक के हैरान करे के बदले हैरानी करल के हर जाना दिए पर, हैरानी करल के मतलब परेशान है ना, इतने लोगों को परेशान करने के बदले में क्या करना होगा, हर जाना देना होगा। मतलब समाज के लोगों ने क्या किया, कंडीशन लगा दिया कि अगर चापू ने जो कहा है वो सब कुछ ठीक ठाक है, सही सही है, तो चापू का ब्याह एकदम मनपसंद ब्याह होगा, बेनकड़ी ब्याह होगा, और सारा खर्चा लड़का के पक्ष वाले ही उठाएंगे, लड़के के घर वाले ही उठाएंगे, दूल्हे के घर वाले ही, दूल्हा पक्ष वाले ही उठाएंगे। लेकिन अगर जवाब नहीं दी सही सही, क्लियर नहीं कर पाई अपनी कई बातों का, पहेलियों का, तो इतना लोगों को परेशान करने के बदले में चापू के माए बाप को, सुनो चापू के माए बाप को क्या देना होगा, हर जाना देना होगा। अब क्या हुआ, इसके बाद चापू का जो बाप है वो सब अर्थ बतलाना शुरू कर देता है, एक एक करके सारा जवाब चापू की कही बातों का अर्थ जो है वो क्लियर करना स्टार्ट कर देता है। कहता है चापू बाप कहे लागले, क्या कहे लागले, सोच काट के बेकवे गेल है। अब देखो चापू ने कहा था ना कि मेरा बाप मेरे पिताजी जो है वो सोच काट के यानी सीधे काट को क्या किए गए, बेकवे ले गए हैं, टेढ़ा करने के लिए गए। ये देखो आप हल देखो, तो हल नीचे से यहाँ देखो टेढ़ा होता है ना, ये यहाँ पे ऐसे ये होता है बूटा होता है, ठीक है ये बूटा हो गया है ना। तो इसने कहा चापू बापे होकर कहल सभे बतियाने के माने पूछवे, हमें हर और हर एक बूटा बनवे गेल हलो, सहले चापू कहले जे सोच काट के बेकवे ले गेल हो। याद रखिएगा चापू के बाप ने कहा कि मैं हल बनाने के लिए गया था, कहाँ गया था, हल बनाने के लिए गया था, हर हल और हल का बूटा बनाने के लिए गया था, इसीलिए मेरी बेटी चापू ने कहा कि मेरा बाप सोच काट के बेकवे ले गेल है, यानी कि स्टेड़ा करने के लिए गया है मेरा बाप सीधे काट के। सोहैला सोहैला कचरा और लपते दिए झाक झकरी आने के रहे गोहरे करके, है ना, ये कह रहा है कि सोहैला सोहैला कचरा मतलब एकदम सीधा सीधा कचरा जिसमें लता झाक वाक को क्या किया जाता है, साथ में लाकर के घसीट के लाया जाता है जंगल से, उसको गोहोर कहते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि सोहैला सोहैला कचरा और लताओं को देने के लिए झाक झकरी के लिए गोहर करके लाने के रहे, सैले हमार बेटी गिदरटी कहला जो सोहैला काट और सिंह पूछ वाला काट के घिसरावे ले गेल हो, घिसरावे ले गेल हो मतलब गोहर करके लाने के लिए गए हैं। गोहर करके लाने में क्या हुआ, जे झाक झाकरा वो है ओकरा सोहेला काट के संगे का करल जाए, घसीट के लानल जाए, समझ रहे ना, तो घसीट के लाने के ही गोहर करे कहल जाए अपनी खोलठा में। तो ये यहाँ पे स्पष्ट कर देता है, क्लियर कर देता है कि मेरी बेटी की कई बातों का क्या अर्थ था। तो यहाँ तक क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे है आगे, आगे क्या जवाब देता है, कहता कि बैसल हले बरसल हले। अब जब हम जंगल गए थे तो क्या हुआ था, वर्षा हुई थी, पानी पानी की वर्षा हुई थी, पानी ही वर्षा होती है, दारू थोड़े गिरता है, इसीलिए मेरी बेटी कहलो जय आवे पारे
बनाइयो आवे पारे। अब बरसात हुआ था तो मेरी बेटी ने कहा कि हो सकता है आएंगे या नहीं भी आ सकते हैं, कि लेना भौरल नदी आवे पारा बनाना है, क्योंकि बरसात हुई थी, खूब बारिश हुई थी, नदी एकदम भर गया था, अब नदी पार करके आ पाना मुश्किल था, इसीलिए मेरी बेटी ने कहा कि हो सकता है आएंगे भी और नहीं तो नहीं भी आ सकते हैं। तो मेरी बेटी की कही बात का ये अर्थ था। दोसर बार हमें बैगन बारी घोरले घोरले गेल हलो, घोरेले गेल हलो, यानी ये कह रहा है कि दूसरी बार जो चापू ने कहा तो उस समय मैं बैगन की खेत में घोरे घोरान घोरेले गए थे, है ना, फेंसिंग करने के लिए घोरान घोरने के लिए गए थे, इसीलिए मेरी बेटी ने कहा कि कांटा की बारी, कांटा मतलब देखते हैं बैगन में कांटा होता है, तो बैगन का खेत को कांटों का बारी इसमें कहा गया है, इसीलिए मेरी बेटी ने कहा कि मेरे पिताजी बैंगन के बारी में यानी कि कांटा के बारी में बेड़ बनाओ हो कांटा के, यानी कि कांटों के खेत में कांटों का क्या कर रहे हैं, बेड़ बना रहे हैं, फेंसिंग कर रहे हैं। ये क्लियर है, इसके जवाब का अर्थ क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को, इसके जवाब का अर्थ तो क्लियर हो रहा है ना। अब देखो अगला क्या जवाब दिया, जवाब देते हैं चापू के पिता, सारा जवाब चापू के पिता दे रहे हैं, याद रखिएगा। अगला है कि जखन चापू के माई खदियन और बीन धान दुयो को छिनगाय के राखल है, कहा जा रहा है इसमें कि जब चापू की जो माँ थी वो क्या कर रही थी ना, खाने वाले, अब क्या होता ना आप देखिएगा धान हो या फिर और भी कोई फसल होता है तो किसान लोग क्या करते हैं कि बिहन वाला अलग रखते हैं और खाने वाला अलग रखते हैं, दोनों को अलग अलग करके रखते हैं। एक्चुअली अब समझो कि धान है, अब धान को क्या कर दिया गया, दो पार्ट में बांट दिया जाता है, एक बिहन वाला और एक खाने वाला। तो यही बात यहाँ पे चापू ने भी कहा कि जखन उसकी माँ खाने वाले और बिहन वाले धान को दोनों को अलग कर रही थी, तो चापू ने कहा कि वो एक को दू करने में लगी हुई है, और जखन हमें रुआ धुनल हो, और जिस समय मैं रुआ धुन रहा था उस समय मेरी बेटी ने कहा कि मैं छोटे को बड़ा बनाने में लगा हुआ, क्योंकि रुआ को धुन धुन करके क्या किया जाता है, छोटा से उसको बड़ा किया जाता है ना, पूरा ऊंचा हो जाता है वो। तो वही बात यहां पे चापू पहली रूप में कही थी। ये एकदम क्लियर है यहां तक, एक के दू कर एक मतलब का है, एक के दू कर एक मतलब है कि एक धान के बिहन वाला धान में और खाए वाला धान में उसकी माँ अलग कर रही थी। छोटा को बड़ा करने का मतलब है कि इसका बाप रुआ धुन रहा था, यानी कि रुए को आकार में बड़ा बना रहा था, छोटा से बड़ा कर रहा था। अब ओकर माय लाहर झटनी लाहर दाल सिझावल है, लाहर मतलब समझते हैं अरहर, हिंदी में इसको अरहर कहते हैं, तो अरहर की लकड़ी लाहर झटनी, लाहर झटनी मतलब लाहर झटनी मतलब लाहर का अरहर का जो लकड़ी है ना, उस लकड़ी से क्या कर रही थी उसकी माँ, राहर का जो अरहर का दाल है उस दाल को बना रही थी, सिझा रही थी। देखते दाल बनाने के लिए एक लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो कई बार अरहर की लकड़ी का ही प्रयोग किया जाता है, तो इसकी माँ वही कर रही थी, अरहर की लकड़ी का ही प्रयोग कर रही थी दाल बनाने के लिए, सिझाने के लिए, मतलब चला रही थी, है ना, जैसे कैसे चलाते हैं वो चला वाला रही थी, लाहर झटनी जगह कहल जाए, लाहर झटनी तो सिझा वाले से कहलो, से ले कहलो जे ओकर माए एगो माए छुआ से ओकर गिदरवे के सीझा करवे लागल है। कही थी ना कि एगो मेरी माँ जो है एक माँ के माँ से माँ के बच्चों को क्या कर रही है, सिझा रही है। तो इसका मतलब यही था जैसे लाहर झटनी है ना, तो लाहर झटनी से ही लाहर के दाल को उसकी माँ क्या कर रही थी, बनाने का काम कर रही थी। इसीलिए चापू ने कहा कि उसकी माँ एक माँ से उसके बच्चे को सिझाने में लगी हुई है। तकर बाद चापू ने कहा, उसके बाद चापू ने क्या कहा, जे हमे आगू आर पेछू हवे लागल हलो, मतलब क्या था, हम जो थे वो आगे पीछे हो रहे थे। अब आगे पीछे होने का क्या मतलब, तो आगे पीछे होने का मतलब है माने तखन, देखो इसका बाप बता रहा है, माने तखन हमें आगे झरक ले हलो, जखन या एकटा दरदराय उठे तखन बेसी झरक लागे और हमें पेछुआ हो जाओ, और फिर जखन झरक कम होवे तखन अगुवाई के बैसो। ये कह रहा है चापू का बाप, कह रहा है कि देखो मैं उस समय क्या कर रहा था ना, आग को ताप रहा था, समझो ऐसे आग के सामने खड़ा था। अब जिस समय आग एकदम दरदराय उठे मतलब एकदम जब तेज जलने लगता था, जब उसकी दहक तेज हो जाती थी, तो आग की दहक जब तेज हो जाती तो देखते हैं एकदम जोर से लगता है, जलने लग जाता आदमी, तो जलने से बचने के लिए आदमी क्या होता है, थोड़ा पीछे चला आता है, और जब वही आग धीरे धीरे कम हो जाता है तो आदमी आगे चला जाता है ना, आग को सेकने के लिए। तो वही बात कह रहा है कि जब आग की दहक तेज हो उठती थी तो मैं पीछे चला जाता था, और जब आग की दहक कम होती थी तो मैं सामने चला आता था, है ना, तो यही आगे पीछे मैं हो रहा था। इसी वजह से चापू ने पहली बुझाया कि मेरा बाप जो है वो आगे पीछे हो रहा है। क्लियर है, तो क्या आगे पीछे हो रहा है, यहां से स्पष्ट हो गया, यह यहां से स्पष्ट हो गया, ठीक है ना।
अब यहाँ पे देखो तकरो बादे गिदटी कहलो, तकरो बादे गिदटी कहलो जो ओकर माय बेजरिया धात देखे लागल है। अब इसके बाद उस चापू ने क्या कहा कि उसकी माँ जो है वो बीमार का नब्ज देखने गई है। अब बीमार का नब्ज देखने का क्या मतलब है, जैसे देखो जब चावल पकाते हैं, खाना बनाते हैं तो चावल पकाते हैं, उस समय क्या करते हैं चावल के एक दाने को दबा करके देखते हैं और वो देख करके अंदाजा लग जाता है कि चावल पक गया। तो वही बात यहाँ पे है कि माने ओकर माय खाए के रांधल है, उसकी माँ खाना पका रही थी और खाए रांधे में चिप चाप के पसीन करे हवे, ये खाए का सिजला ना नाए, है ना। और खाना पकाने के दौरान दबा करके देखना पड़ता है जिसको आप पका रहे होते हो उसको कि हाँ ये बना या नहीं बना, बॉइल हुआ या नहीं हुआ, सिझा या नहीं सिझा, पका या नहीं पका। तो वही उसकी माँ कर रही थी खाना बनाने के दौरान, इसीलिए चापू ने कहा कि मेरी माँ बेजरिया का धात देख रही है, मतलब बीमार का नब्ज देख रही है। तो ये इसका मतलब था। हमें जखन, ये चापू का बाप कह रहा है कि मैं जिस समय कारी कागजे यानी कि काले कारी कागजे मतलब कोरी कागज पे, सफेद कागज पे कुछ उखरा हलो, कुछ लिख रहा था, उस समय चापू आप लोगों से बोली जे चरका के करिया करे लागल हो। पहली का सब पहली का यहाँ पे क्या कर रहा है, बता रहा है चापू का बाप एक एक करके। वो कहता है चापू का बाप कि जिस समय मैं कोरे कागज पे कुछ लिख रहा था उस समय मेरी बेटी ने आप लोगों से कहा कि मेरा बाप जो है वो सफेद को काला करने में लगा हुआ है, सफेद को करिया बनाने में लगा हुआ है। क्लियर है। अब आगे था कि शेषे यानी कि अंत में जब मैं आज छान छा रहा हूं, जब आज मैं छान छप्पर छार रहा था, छप्पर किस लिए छाड़ा जाता है ताकि कहीं अगर लीकेज विकेज हो तो वो ठीक हो जाए और पानी ना चूहे घर के अंदर, है ना। तो यही इसका बाप कर रहा था, छप्पर छारने का काम कर रहा था। तो चापू ने लोगों को क्या पहली बुझाया कि मेरा बाप जो है वो सरगे पानी ठेकार दिए लागल है, मतलब मेरा बाप जो है वो आसमान की पानी को रोकने में लगे हुए हैं। क्या करने में लगे हुए हैं, रोकने में लगे हुए हैं। क्लियर है। तो रोकने का यहाँ आसमान की पानी को रोकने का क्या मतलब था, छप्पर को छारना, है ना, छप्पर को छारना। ठीक है, छारे का मतलब मरम्मत करना। सब जवाब सुन के सभी बड़ी खुश भेला। अब चापू की कही गई बातों का जब सबों ने जवाब सुना सब बड़े खुश हुए, बड़े खुश हुए, सबको एहसास हो गया कि अच्छा चापू जैसे नाइफ फाडर दिल रहे, चापू वही बात बोली थी जिसका अर्थ था, मतलब जवाब था, लेकिन बेवकूफन किसी को जवाब समझ में नहीं आया। तो यहाँ पे सब लोग जवाब सुनने के बाद बड़े खुश होते हैं और तबे बोर घरे खर्चा ही चापू बेनकड़ी बिहाक नेक सरल है, मतलब उसके बाद तबे बोर घरे खर्चा ही, उसके बाद क्या होता है बोर के घर के खर्च से यानी कि लड़के के घर के खर्च से चापू का बेनकड़ी बिहा का जो नेग है वो सरल है, मतलब संपन्न होता है और मन सैदा बेनकड़ी बिया भेले और चापू का मन पसंद ब्याह हो जाता है। मन सैदा बेनकड़ी बिया मतलब मन पसंद बेनकड़ी ब्याह इसका हो जाता है, किसका, चापू का। और यहां पे आकर के ये कहानी आपका पूरी तरह से खत्म हो जाता है, यहां पर आकर के ये कहानी पूरी तरह से खत्म हो जाता है, जिसमें आपने देखा कि चापू की कही गई बातों का सारा जवाब कौन देता है, चापू का बाप देता है। आप देखो यहां पे समझते चलो सवाल कैसे कैसे बनेंगे। देखो यहां पे तो सबसे पहले सवाल बनेगा कि कौन लोक कथा, कौन लोक कथा बुधेक बुधेक, समझना। पहले नंबर का सवाल देखो, थोड़ा सा आप लोगों को अलग टाइप का मैं सवाल बताने जा रहा हूं, इन सवालों को सीख लो समझ लो। पहला सवाल तो ये होगा कि कौन लोक कथा है बुधेक हारा बाहर देखेल मिलो ही, तो आपका जवाब क्या आएगा, आपका जवाब आएगा क्या आएगा, लुरगेर बेटी छुआ लोक कथा है। कौन से लोक कथा में, लुरगेर बेटी छुआ लोक कथा में। कौन लुरगेर बेटी छुआ की नाम रहे, ये एक सवाल बन जाता है कि लुरगेर बेटी छुआ की नाम रहे, तो लुरगेर बेटी छुआ का क्या नाम रहता है, चापू नाम रहता है। क्या नाम रहता है, चापू नाम रहता है, है ना। अगला सवाल बन सकता है कि बुधेक हारा बायदे चापू केकर से हारे है, ठीक है, तो बुधेक हारा बायदे चापू किस से हारती है, ये सवाल भी बन सकता है। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि चापू किसी से नहीं हारती है, याद रखिएगा। इस सवाल को घुमा के पूछ सकता है कि बुधेक हारा बायदे चापू केकर से हारे है, आप लोग जवाब देते जा सकते हो, बुधेक हारा बायदे चापू केकर से हारे है, ऐसे सीधे सीधे जवाब दो, मैं पूछते जा रहा हूं। तो बुधेक हारा बायदे चापू केकरो से ना हारे है। अगला सवाल बन सकता है कि लुरिगर बेटी छुआ लोक कथा, लुरिगर बेटी छुआ लोक कथा जोगाड़ी चाहे जोहड़वैया, जोहड़वैया के हथिन, आप लोग इसका जवाब देते चलिए, लुरिगर बेटी छुआ लोक कथा जोहड़वैया के हथिन, है ना।
लुजोहड़ भैया के हथिन। जल्दी जल्दी इन सवालों का जवाब दीजिए। तो लुरगर बेटी छुआ का जोहड़ भैया लोक कथा का जोहड़ भैया कौन है? तो डॉक्टर ए के झा है। कौन है? डॉक्टर ए के झा है। ये लोक कथा कौन से पुस्तक में प्रकाशित हुई है? तो दोस्तों ये लोक कथा खोलठा लोक साहित्य नामक पुस्तक में प्रकाशित हुई। खोलठा लोक साहित्य नामक पुस्तक में प्रकाशित हुई। अगला सवाल और बेहतरीन सवाल ये बन सकता है कि चापुक बीहा, चापुक बीहा, बीहा सेसे 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 केकर संगे हेवे हे, केकर संगे हेवे हे, केकर संगे हेवे हे, हेवे हे। तो इस सवाल का जवाब दीजिए। आप लोग क्या जवाब दीजिएगा अगर सवाल ऐसा बना दे कि चापुक ब्याह से यानी कि आखिरी में चापू का जो ब्याह है वो किसके साथ होता है? तो चापू का ब्याह किसके साथ होता है? देखो ये तो बात क्लियर है इस कहानी में कि चापू का ब्याह हुआ, चापू को मनसैदा बेनकड़ी ब्याह हुआ, यानी कि मनपसंद बेनकड़ी ब्याह होता है, ये तो क्लियर है। लेकिन किसके साथ होता है ये इस कहानी में बताया ही नहीं गया, बताया ही नहीं गया है। तो इसका जवाब क्या होगा? ईटा 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 लोक कथाएं, ईटा लुरगर बेटी छुआ लोक कथाएं, लोक कथाएं सुपट नाय है ना, सुपट नाय है या फरनाय के नाय बतवल गेले या फुरछाय के नाय बतवल गेले, ये इसका जवाब हो जाएगा। अगर सवाल घुमाया कि चापुक बिया से के कर संगे है वे है, तो आपका जवाब ये रहना चाहिए कि ये ईटा लोक कथाएं, लुरगर बेटी छुआ लोक कथाएं, फरनाय के या फुरछाय के नाय बतवल गेले, याद रखिएगा, याद रखिएगा। अगला अगला सवाल, अगला सवाल बन सकता है कि मुख्य पात्र से सवाल बन सकता है कि लुरगर बेटी छुआ लोक कथा मुख्य पात्र के लागे। तो लुरगर बेटी छुआ मुख्य पात्र जो है वो कौन है? तो दोस्तों लुरगर बेटी छुआ मुख्य पात्र जो है वो चापू है, चापू है। इसके अलावा जो पहेलियां बुझाई है उन पहेलियों से भी हो सकता सवाल दे दे, उन पहेलियों से भी सवाल दे दे, है ना। बेजरिया धाप देखे की माने है, इन लोक कथाएं बेजरिया धाप देखे के की माने है, तो की माने है, की माने है, है? की माने बताया गया बेजरिया धाप देखने का, तो जो रांध रही थी उसकी माँ उसको सीझा या ना सीझा ये चेक करना, क्लियर है ना। तो इस तरह आपको क्या मिलेगा? ऑप्शंस मिलेंगे और ऑप्शन को देख करके आपको क्या करना पड़ेगा? अपना जवाब देना पड़ेगा। तो ऐसे सवाल रहेंगे। अब इस सेशन को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में अगले दिन। तो सेशन कैसा रहा, आप लोगों को सेशन कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट करके बताइए, सब समझ में आया या नहीं आया ये भी आप लोग कमेंट करके बताइए। फिर मिलेंगे अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। और अगर मैंने इसका एमसीक्यू करवा दिया है तो आप लोग कमेंट में बता देना कि सारा करवा चुके हैं, और अगर मैंने नहीं करवाया है तो लिख देना ये मैं एमसीक्यू करवा दूंगा इसका। तो फिर मिलेंगे अगले सेशन में। मेरे साथ बने रहने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।